हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 824 नॉलेज। एंड आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कन्वेक्शन में रेनॉल्ड्स कोलबर्न एनालॉजी के बारे में, जो कि रिलेटेड है स्टेंटन नंबर और पिकलेट नंबर से। ओके, लेक्चर नंबर 33 है ये, एंड लेक्चर नंबर 32 तक मैंने ऑलरेडी कन्वेक्शन के हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर और थर्मल बाउंड्री लेयर, प्रांटल नंबर, नसेल नंबर के बारे में बात कर ली है। लेक्चर नंबर 33 के अंदर हम स्टार्ट करेंगे इन तीन टॉपिक्स के बारे में। ओके, और बाकी की जो लेक्चर्स का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, सो वेन एवर अ वीडियो इज अपडेटेड और अपलोड यू विल गेट द नोटिफिकेशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द कन्वेक्शन, रेनॉल्ड्स कोलबर्न एनालॉजी। ठीक है, रेनॉल्ड्स कोलबर्न एनालॉजी बेसिकली नाम से पता लग रहा है कि रेनॉल्ड्स के थ्रू ये गिवन है। ठीक है, ये एनालॉजी बेसिकली स्किन फ्रिक्शन कोएफिशिएंट या फिर फ्लूइड फ्रिक्शन CFX, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, इसके और हीट ट्रांसफर के बीच की एनालॉजी है। ठीक है, सो फ्लूइड के फ्रिक्शन एंड फ्लूइड के हीट ट्रांसफर के बीच की एनालॉजी रेनॉल्ड्स कोलबर्न एनालॉजी होती है। ठीक है, इसका एक्सप्रेशन किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं हम वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक प्लेट ले रहा हूँ। ठीक है, दिस इज द प्लेट वी हैव। ओके, दिस इज द प्लेट। ठीक है, और हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे इस प्लेट के ऊपर फ्लूइड फ्लो हो रहा है और उस फ्लूइड की वेलोसिटी है यू इन्फिनिटी। ओके, फ्लूइड की जो वेलोसिटी है दैट इज यू इन्फिनिटी। और अगर मैं हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर यहाँ फॉर्म करूँ तो जैसे हमने ऑलरेडी देखा था, तो कुछ इस तरीके से हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर बनती है। दिस इज द हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर। ओके, इस पॉइंट को हम बोलते हैं लीडिंग एज, लीडिंग एज दैट इज एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, और ये जो एंड पॉइंट है दैट इज एक्स इक्वल टू एल। ठीक है, इसका मतलब हमारी जो प्लेट हमने मानी है दैट इज ऑफ एल लेंथ। ठीक है, इसकी विड्थ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टू द स्क्रीन कितनी है वो डब्ल्यू या यूनिट आप मान सकते हो। ठीक है, हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर में हमने जो वेलोसिटी प्रोफाइल देखा था वो कुछ इस तरीके से था। दिस इज द वेलोसिटी प्रोफाइल दैट वी हैव, दिस इज द वेलोसिटी प्रोफाइल। ये वेलोसिटी का हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन आया था। ठीक है, और इस पॉइंट पे अगर मान लीजिए मैं स्लोप लूँ तो उसको बोलते हैं डेल यू बाय डेल वाई एट वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, द चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू वाई डायरेक्शन व्हेन वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये हमारे पास बेसिक जो डेफिनेशंस थी हम लोग ने पिछले लेक्चर्स के अंदर हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर के देख ली थी। ठीक है, तो यहां पे हमने बात की थी वॉल शियर स्ट्रेस की, वॉल शियर स्ट्रेस। वॉल शियर स्ट्रेस बेसिकली हम इसको टाउ वॉल से रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ डब्ल्यू। ओके, हमने देखा था ये होता था म्यू डेल यू बाय डेल वाई एट वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, दिस इज दी वॉल शियर स्ट्रेस। जब भी हमें शियर स्ट्रेस किसी वॉल पे निकालनी होगी तो हम लिखाएंगे म्यू डेल यू डेल वाई एट वाई इक्वल टू जीरो। ओके, अब यहां पे जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग ने देखा था लास्ट लेक्चर में दैट वाज यू बाय यू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 3/2 वाई बाय डेल्टा माइनस 1/2 वाई बाय डेल्टा पावर क्यूब। ठीक है, यहां पे मैंने पहले भी बोला था उस लेक्चर में कि जो वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है और टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, ये डायरेक्टली आपको याद होनी चाहिए। सो यू बाई यू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 3/2 वाई बाई डेल्टा माइनस हाफ ऑफ वाई बाई डेल्टा पावर 3। वाई परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस डेल्टा होती है। ठीक है, प्लेट से डेल्टा इसका मतलब है बाउंड्री लेयर थिकनेस। ठीक है, अब डेल्टा की जो वैल्यू हम लोग ने लिखी थी वो लिखी थी 4.64x डिवाइड स्क्वायर रूट ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर x।
ठीक है, लोकल रेनॉल्ड नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये डेल्टा की वैल्यू होती थी। ठीक है, तो ये फर्स्ट एक्सप्रेशन और सेकंड एक्सप्रेशन ये आपको पता होने चाहिए। ये सो वॉल शेयर स्ट्रेस हमारे पास कितना हो गया, टाउ डब्ल्यू इज इक्वल टू म्यू टाइम्स थ्री यू इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय टू डेल्टा। ठीक है, कहाँ से आया ये डेल डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू आप यहाँ से लिखेंगे और y की वैल्यू क्या रख देंगे, जीरो। तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आएगा थ्री यू डेल्टा डिवाइडेड बाय टू डेल्टा, इसको मैंने यहाँ पे रखा, म्यू से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया वॉल शियर स्ट्रेस। अब देखिए म्यू हमें पता है दैट इज डायनेमिक विस्कोसिटी थ्री बाय टू, यू इन्फिनिटी हमारे पास क्या है, फ्लूइड की स्ट्रीम की वेलोसिटी। ओके, डेल्टा डेल्टा हमारे पास है बाउंड्री लेयर थिकनेस, जिसका जो हमारे पास एक्सप्रेशन है वो है डेल्टा इक्वल टू 4.64x डिवाइड स्क्वायर रूट ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर x। ठीक है, तो यहां से अगर मान लीजिए मैं वैल्यू रखूं तो क्या लिखूंगा मैं इसको, मैं लिखूंगा इसको 3 बाय 2 म्यू यू इन्फिनिटी 1 अपॉन डेल्टा, डेल्टा की जगह मैं लिख देता हूं 4.64x एंड स्क्वायर रूट ऑफ रेनॉल्ड नंबर पावर x। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास वॉल शियर स्ट्रेस। अब मैंने क्या किया है, इस इक्वेशन को, ये जो हमारे पास वैल्यू है मैंने इसको वन नंबर डाल दिया। ठीक है, इक्वेशन नंबर वन। अब ये तो था हीट ट्रांसफर के पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्लूइड मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, फ्लूइड मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वॉल शियर स्ट्रेस टाउ वॉल की जो वैल्यू होती है दैट इज सी एफ एक्स टाइम्स रो यू इन्फिनिटी स्क्वायर बाय टू होती है। ओके, एंड दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब ये जो इक्वेशन है ना टाउ डब्ल्यू इज इक्वल्स टू सी एफ एक्स रो यू इन्फिनिटी स्क्वायर बाय टू, ये हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे तब आती है। ठीक है, अभी के लिए जस्ट रिमेम्बर दैट, वहां भी याद ही करना है, कोई भी डेरिवेशन वहां पे भी नहीं होगा, लेकिन चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ते हुए आपको ज्यादा क्लियर चीजें पता लगेंगी। लेकिन यस, अभी के लिए आप इसे याद रखें कि वॉल शियर स्ट्रेस फ्लूइड मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है सी एफ एक्स मतलब स्किन फ्रिक्शन कोएफिशिएंट या फिर लोकल ड्रैग कोएफिशिएंट, दो तरीके से इसको बोल सकते हैं, मल्टीप्लाई रो यू इन्फिनिटी स्क्वायर बाय टू। ठीक है, और इसको सेकंड इक्वेशन दिया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि सी एफ एक्स क्या है, सी एफ एक्स की वैल्यू है हमारे पास लोकल स्किन फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, और इसी चीज को हम बोलते हैं लोकल ड्रैग कोएफिशिएंट, ड्रैग कोएफिशिएंट। ठीक है, तो आप यहां से देखिए, अब मैंने इस इक्वेशन को नाम दिया है नंबर वन, फ्लूइड मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने नाम दिया इसको नंबर टू। अगर मैं इक्वेशन वन और टू को देखूं तो ये दोनों वॉल शियर स्ट्रेस के लिए हैं, इसका मतलब इक्वेशन वन इक्वेशन टू दोनों सेम है। ठीक है, इक्वेशन वन को इक्वेशन टू के मैंने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, इक्वल करने पर क्या मिलेगा, सी एफ एक्स बाय टू इज इक्वल टू 0.332 रेनॉल्ड नंबर पावर माइनस हाफ, दिस इज द वैल्यू दैट यू विल गेट। ओके, दिस इज द एक्सप्रेशन दैट वी विल गेट दैट सी एफ एक्स बाय टू इज इक्वल टू 0.332 रेनॉल्ड्स पावर माइनस हाफ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब यहां से देखिए, बहुत ही सिंपल चीज करनी थी आपको, इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को आपने इक्वल किया, सी एफ एक्स बाय टू यहां पे हमने निकाल लिया है, रो यू इन्फिनिटी के स्क्वायर को हमने यहां से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास वैल्यू आई 0.332 रेनॉल्ड्स की पावर माइनस हाफ। ठीक है, अब मैं यहां पे बात कर रहा हूं रेनॉल्ड्स नंबर के बाद में निसेल नंबर की, निसेल नंबर हमने ऑलरेडी देख लिया था, निसेल नंबर एट एक्स यानी कि लोकल निसेल नंबर, उसको हम लिख रहे थे 0.332 रेनॉल्ड नंबर पावर हाफ प्रेंटल नंबर पावर 1/3। ठीक है, ये ऑलरेडी हम लोग लेक्चर में देख चुके हैं पिछले। अब हमने क्या किया है, हमने लोकल, ये हमारे पास लोकल रेनॉल्ड नंबर है ना, सो लोकल रेनॉल्ड नंबर और प्रेंटल नंबर को डिवाइड कर दिया दोनों तरफ। ठीक है, यानी कि मैंने क्या किया है, मैंने दोनों तरफ रेनॉल्ड नंबर और प्रेंटल नंबर को डिवाइड कर दिया दोनों तरफ। ठीक है, अब देखिए यहां पे जो बन रहा है ना, ये न्यूसेल नंबर या लोकल न्यूसेल नंबर डिवाइड बाय दिस आर ई एक्स यानी कि लोकल रेनॉल्ड नंबर
into this parental number. That is known as the Stanton number, ST, Stanton number. So Stanton number is nothing but the local Nusselt number divided by the product of local Reynolds number and parental number. ठीक है, parental number क्योंकि depend नहीं करता x के ऊपर, प्लेट की लेंथ के ऊपर, इस वजह से इसे लोकल या एवरेज नहीं कहते, जबकि निशल नंबर और रिनोल नंबर दोनों डिपेंड करते हैं, इसलिए लोकल और एवरेज दो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू आते हैं। पहली चीज हो गई स्टेंटन नंबर। दूसरी चीज, अगर रिनोल नंबर लोकल रिनोल नंबर और पेरेंटल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो उसको हम बोलते हैं पिकलेट नंबर, पीई। ठीक है, दैट इज नोन एज अ पीई, पिकलेट नंबर। ठीक है, तो हमारे पास दो नंबर आए, एक आया पिकलेट नंबर, एक आया स्टेंटन नंबर। इसका मतलब रिनोल नंबर को जब भी पेरेंटल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा दैट इज नोन एज अ पिकलेट नंबर, जब न्यूसेल नंबर को डिवाइड किया जाएगा रिनोल नंबर एंड पेरेंटल नंबर से उसे बोलेंगे स्टेंटन नंबर। या इसी चीज को मैं बोल सकता हूं, जब न्यूसेल नंबर को पिकलेट नंबर से डिवाइड किया जाएगा तो जो नंबर बनता है दैट इज द स्टेंटन नंबर। ठीक है, अब यहां से उसी चीज को देखते हैं, NUX डिवाइड REX इंटू PR, मतलब निसल नंबर डिवाइड बाय द पिकलेट नंबर, इसको मैं लिख रहा हूं, इस चीज को मैं लिख रहा हूं स्टेंटन नंबर ST। ओके, एंड दैट इज इक्वल टू 0.332। सी, दिस इज रेनोल्ड नंबर की पावर हाफ, दिस इज रेनोल्ड नंबर पावर वन, तो ये हो जाएगा ऊपर की तरफ रेनोल्ड नंबर की पावर माइनस हाफ। ठीक है, डिवाइड, यहां है पेरेंटल नंबर पावर वन, यहाँ है पेरेंटल नंबर पावर 1 बाई 3, तो नीचे हमारे पास आएगा पेरेंटल नंबर पावर 2 बाई 3, दैट इज नथिंग बट 1 माइनस 1 बाई 3। ओके, सो 2 बाई 3। अब देखिए, यहां से मैं अगर लिखूं 0.332 इंटू रेनोल्ड पावर माइनस हाफ, तो यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन हमने निकाला था स्किन फ्रिक्शन कोएफिशिएंट या लोकल ड्रैग कोएफिशिएंट का, दैट इज सी एफ एक्स बाय 2 इज इक्वल टू 0.332 रेनोल्ड नंबर पावर माइनस हाफ। तो ये जो 0.332 रेनोल्ड की पावर माइनस हाफ है वो दोनों जगह सेम है, इसकी इसका मतलब क्या हुआ, मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, सी एफ एक्स बाय 2। तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, स्टेंटन नंबर इंटू पेरेंटल नंबर की पावर 2 बाय 3 इज इक्वल टू सी एफ एक्स बाय 2। ठीक है, और ये जो ये स्टेंटन नंबर इंटू पेरेंटल की पावर 2 बाय 3 इज इक्वल्स टू सी एफ एक्स बाय 2, ये जो इक्वेशन बनी, ये जो एक्सप्रेशन बना, दैट इज नथिंग बट द रेनॉल्ड्स कोलबर्न एनालॉजी। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन है वो रेनॉल्ड्स कोलबर्न एनालॉजी का एक्सप्रेशन है हमारे पास। ठीक है, अब बेसिकली क्वेश्चन आता है हमारे पास कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा, रेनॉल्ड्स कोलबर्न एनालॉजी का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि अगर मान लीजिए हमारे पास ये प्लेट है और कोई यहाँ फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक है, और मैं कह रहा हूं कि यहां पे जो हीट ट्रांसफर हो रहा है ना क्यू, दैट इज जीरो, किसी सरफेस से फ्लूइड की तरफ या फ्लूइड से सरफेस की तरफ कोई भी हीट ट्रांसफर ना हो रहा हो, यानी कि Q की वैल्यू जीरो हो, तो उस टाइम पे Hx की लोकल कॉन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट की वैल्यू हम किस तरीके से निकालेंगे, उसकी वैल्यू हम निकालते हैं रेनॉल्ड्स कोलबर्न एनालॉजी के थ्रू। तो जिस भी पॉइंट पे हमें चाहिए Hx की वैल्यू, तो वहां पे हमें क्या पता होना चाहिए, स्किन फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। मान लीजिए x बराबर 2 मीटर पे हमें पता लगाना है कि Hx की वैल्यू क्या होगी, या 2 मीटर पे लोकल कॉन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट कितना है, और हमने कह दिया कि कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं हो रही है, कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं हो रही है, डायरेक्टली आप रेनॉल्ड्स कोलबर्न एनालॉजी पे जाएंगे, लोकल ड्रैग कोएफिशिएंट की या लोकल स्किन कोएफिशिएंट की वैल्यू देखेंगे एट एक्स इक्वल टू 2 पर, और मल्टीप्लाई करेंगे स्टेंटन नंबर इंटू पेरेंटल नंबर पावर 2 बाई 3 के इक्वल करके, तो यहाँ पे हमें Hx की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए Q जीरो नहीं होता तो किस तरीके से निकालते, तो डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज NUX इज इक्वल टू 0.332 रेनॉल्ड्स नंबर पावर हाफ एंड पेरेंटल नंबर पावर 1 बाई 3। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द रेनॉल्ड्स कोलबर्न एनालॉजी।